यार अगर मैं स्विमिंग स्विमिंग नहीं आती डूब गई तो नहीं डूबेंगे पक्का डर लग रहा है मुझे ये फुल चिताम हो सकता या ओके गाइस तो यहाँ पर हम रवाना हो चुके थे ठीक है अपनी मंजिल के लिए वेल मंजिल कोई नहीं थी ऐसी शोखियाँ बैठ गई थी मैं एक्सपीरियंस करने के लिए कि मतलब कैसा फील होता है आपको इसमें बैठ के बड़े जोश व खरोश में बैठी थी इसमें ठीक है एक्सपीरियंस करने के लेकिन बैठने के बाद जो मेरी हालत हुई थी ना वो मैंने इसीलिए इस वीडियो की जो वॉइस है उसको मैंने इसलिए ऑफ किया ताकि आप लोग को ना सुना सुना मैं क्या बोल रही थी उस वक्त बहुत डरी हुई थी मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि बस हम डूबने वाले आप देख सकते हैं मेरे साइड की जो वो टायर है वो कितनी अंदर गई हुई है पानी के अच्छा बताना तो मैं भूल गई कि इसको बोलते क्या है जिस पे मैं बैठी हूँ इसे जग कहते हैं ठीक है जग तो पहले ज़माने के ये तो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि सामान यहाँ से उस तरफ लेके जाने में आप देख रहे हैं हमारे जो दरिया है उसके उस तरफ भी एक जगह बनी हुई है तो वहाँ पर सामान ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है इवन लोग भी यहाँ से आना जाना करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है उस तरफ जाने का इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है हम लोग जा रहे थे नानसक और हमें ये दिखा तो हमने बोला चलो बैठ जाते फ़न करते थोड़ा सा मेरे साथ जो थे वो भी बैठे थे ठीक है इसमें तो अभी आप देखें मेरी मम्मा ने कैमरा ऐसे एंगल से रखा है कि आपको लग रहा है बहुत दूर अभी थोड़ा सा आके जाके ऐसा लगता है बहुत दूर है मेरी नानी को ही दिखाया था नानी कह रही कि इसको बिठाया कैसे इसमें वो डांटने लग गई कि इतना मतलब इतना दूर इसको भेजा ये वो गिर जाते कुछ हो जाता तो यू नो इट्स अ ट्रिक कैसे क्योंकि कैमरा एंगल ऐसे रखा है मेरी मम्मा ने इसलिए बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है बट इतना दूर नहीं था ये खैर हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए मतलब बीच तक गए थे ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम लोग बस वहीं से टर्न होके आ गए थे हम वेल बहुत मज़ा आया बहुत ठंडा पानी था मेरे पाँव नीचे से पानी में लहरा रहे थे और पता है मुझे ये डर नहीं था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी पानी मुझे डर था कि पानी में से कोई मेरा पाँव ना खींच ले नीचे की तरफ खींच ना ले जैसे कि मुझे अजीब व गरीब ख्याल आते रहते हैं इसी तरह से इलेक्शन में नहीं खड़ी हुई स्टेज पे नहीं हो इधर अब यहाँ पे जो लोग थे ना वो लोग इतने आराम से मुझे बोले हाथ हिलाओ वहाँ से हाय करो जैसे मुझे वहाँ तक आवाज़ आ जाएगी एक तो पानी की आवाज़ इतनी तेज थी तो बाद में मैं आई तो मुझे कह रहा कि हाथ क्यों नहीं खाई थी हाय क्यों नहीं करती मैंने बोला अबे भाई मुझे डर लग रहा था एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर से मुझे आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही थी कि कुछ करो कह के मैं बहुत डरी हुई थी उस समय दुआएं पड़ रही थी उस वक्त वहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे ठीक है और मेरे सांस में थोड़ी सांस आ रही थी कि चलो हम पहुँच गए फाइनली सही सलामत कुछ हुआ नहीं ओके सो मुझे कह रहे थे यहाँ पे कि खड़ी हो जाओ जो चल रही है ना जग उसी पे खड़ी हो जाओ और यहाँ पे वैसी मेरी हालत टाइट हुई थी ऊपर से कह रहे खड़े हो जाओ तो पहले तो मैंने बोला क्या दिमाग ख़राब हो गया क्या मेरे को पहुँचने दो पहले ज़मीन पे आने दो उसको फिर मैं खड़ी होंगी नहीं नहीं पानी में खड़ी पिक्चर लेना पिक्चर किसी तरह मैं खड़ी हो गई लेकिन पिक्चर एक भी अच्छी नहीं आई जो कि मैंने पोस्ट नहीं की क्योंकि बहुत बकवास पिक्चर आई थी मुझे नहीं पता कि मैं प्राइम मिनिस्टर की तरह हाथ क्यों ला रही थी फिर यहाँ पर मैंने सुपरमैन बनने की नाकाम कोशिश की आप देख सकते हैं जाने का एक पूरा व्लॉग बना था जो कि मेरे राहिला वर्ल्ड चैनल पे है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बाकी इतना ही था अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़